द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन ने पूरी शक्ति लगा रखी थी, द्रौपदी ने बहुत कोशिश की, रोक नहीं पाई और लास्ट में सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया कि भाई तुम आओ और बचाओ। वो आ भी गया, बच्चा भी लिया, फिर भी द्रौपदी नाराज हो गई कि थे इतनी देर क्यों लगाई आने में, ये मेरी नाराजगी। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, पढ़ा होगा आपने, तो उसने कहा कृष्णा मेरे तो कुछ भी देर नहीं लगाई, तुरंत आ गया बुलाया, कहता नहीं फिर इतनी देर से मैं तो दुख पा रही हूँ, इतने ताकत लगा के हार गई और वो दुष्ट मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो कहते ये भी तेरी गलती से हुआ सारा, तो मेरी गलती से ये कैसे हो सकता है, मैं तो खुद ऐसा आज जैसे लड़ रही थी, कहते यही तो गलती थी, तेरा अहंकार कह रहा था कि तू खुद लड़ सकती है उससे और तू खुद लड़ने का प्रयास कर रही थी, मुझे तब तूने याद नहीं किया। जब तू थक गई हार गई और तेरे को समझ में आ गया कि तू नहीं जीत सकती, उसके बाद तूने मुझे याद किया। और उसमें भी तूने किसको याद किया, द्वारका वाले कृष्ण को याद किया, तो फिर मुझे वहां से आने में समय तो लगता ही नहीं लगता। अगर तू अपने भीतर बैठे कृष्ण को याद करती तो बिल्कुल समय नहीं लगता। देखिए ये उनका मर्म कहाँ है, जीवन की श्रेष्ठता कहाँ है, जीवन की शक्तियां कहाँ छुपी हुई है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, इन शक्ति शक्तियों को समय रहते समझ लें, इनको विकसित कर दें, क्योंकि किसी भी समाज का निर्माण, किसी भी देश का निर्माण बिना संस्कारों के नहीं हो सकता। और जब तक आप सबकी संतानें अभिमन्यु तरह से संस्कारवान होकर नहीं बाहर आएंगी, तब तक हम देश में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। हम समाज को कोसते रहेंगे पर हमारी खुद की भूमिका इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर वही होगा जो आज पश्चिम में हो रहा है, शरीर और शरीर के ढांचे वहां दिख रहे हैं, मानवता वहां पंगु हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रही, आदमी आदमी का सम्मान नहीं करता, दो दिन काम का है तो साथ है तीसरे दिन बाद, और सबसे ज्यादा अपमान वहां नारी का हो रहा है। इसको समझो गहराई से, तकलीफ वहां होगी। जिन्होंने नारे लगाए थे वही आज रो रहे, तो क्या हमें इस यथार्थ को समझ लेना है या नहीं, या आपको तय करना है। शक्तिमान बने, अच्छे समाज का निर्माण करें और आप खुद भी खूब विकासमान रहें, समाज आपके साथ है, पर आपकी जो भूमिका है, जो ईश्वर ने शक्तियां आपको दी हैं, अपना काम उनके विकास में लगाएं। न हमें नकल की जरूरत है, न हमें कंपटीशन की जरूरत है, लेकिन जरूरत है तो वर्तमान में जीने की जरूरत है। हर काम में हमारा मन पूरा लगा रहे इसकी जरूरत है, तब हम वर्क इज वर्शिप इस कहावत को सार्थक कर पाएंगे, तभी हमें जो फल मिलेंगे वो पूजा जैसे ही मिलेंगे। आज हम एक्सपेक्टेशन के सहारे काम कर रहे हैं, हर कर्म का फल हमें आस्वाद चाहिए, कैसे मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता। कृष्ण इसीलिए कह गए थे कर्म कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा पर हमारी मर्जी से नहीं मिलेगा, वो प्रकृति के नियमों से मिलेगा, वो मेरे पिछले कर्मों के जो फल है उसके साथ जुड़कर मिलेगा। तो वो क्या पता मेरी इस उम्र में मिले, अगली उम्र में मिले या और किसी जीवन में मिले, मुझे नहीं मालूम। पर हम अपेक्षा के सहारे दुखी हो रहे हैं, 100 में से 80 बार जो हम दिन में तकलीफ में आते हैं, दुखी होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है, इस एक शब्द से अपेक्षा।
धर्म ममत्व मातृत्व वात्सल्य एक ही चीज सिखाते हैं कि आप करो और उसके बदले में कुछ भी उम्मीद मत करो। मातृत्व क्यों पड़ा है इस धरती पर? वो केवल देता है, मांगता कुछ नहीं है। जहां देने के साथ लेना जुड़ा है वो तो व्यापार हो गया। तो मैं अपने बच्चों के साथ कोई व्यापार करना नहीं करना। जिंदगी व्यापार नहीं है और न बने, ये आपका संकल्प होना चाहिए। अपेक्षा व्यापार की सूचक है, आपके जीवन को व्यापार बनाएगी। और जो आपको कुछ देगा वो भी फिर आपसे कुछ उनको उम्मीद करेगा, अपना हिसाब मांगेगा। इसलिए वो और पराधीनता का संकेत दे रहा है। एक्सपेक्ट नहीं करना, ये भी आज आपको संकल्प कर लेना चाहिए मेरे जाने से पहले। क्यों? इसका उदाहरण भी समझ लो और आपको पता लग जाएगा कि मेरी जिंदगी की 80% तकलीफें नाराजगियां डिसअपॉइंटमेंट आज ही छूट जाएंगे, कल से होंगे ही। आप मेरे घर आ रही हैं मिलने के लिए, एक मिनट मेरी सुन लेंगे? आप मेरे यहां मिलने के लिए आ रही हैं और रास्ते में आपके दिमाग में चिंतन चल रहा है, क्या भाई साहब से आज कल पहली बार मिलेंगे तो आज चाय वही पीते हैं? आप आ गए, मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई और मैंने चाय नहीं पिलाई, पूछा ही नहीं, तब आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी इसको सोचो। यार ये है क्या भाई साहब, उन्हें तो पता नहीं क्या क्या इनके लिए सुन रखा है, क्या सुन के आए, सोच के आए, और ये बलेवान ने एक कप चाय भी नहीं पूछा। और चाय पिला के भेजूं तो उसमें भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो सोच के आए थे कि तो नहीं था, इसमें नया क्या है। इसका दूसरा पहलू देखो।